इतना उम्र होने के बाद भी हम कर सकता है वो प्रूव करना है। मैं अपने आप से खुद से उम्मीद लगाती हूँ कि मैं फाइनल तक जाऊँ। गोल की कोशिश करेंगे। मैं बॉक्सिंग से बहुत प्यार करती हूँ, इसकी वजह से भी आज तक टिका हूँ कंटिन्यूसली। मेरे बॉक्सिंग को बहुत प्यार करती हूँ, तो उस वजह से हम कभी भी बॉक्सिंग से बोर नहीं होते, तो उस वजह से भी कंटिन्यूसली हम परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, कंटिन्यूसली मेंटेन कर पा रहे हैं। हाँ, कभी भी मैंने ऐसे नहीं सोचा मैं हाँ वर्ल्ड चैम्पियन बन गया तो मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, और जूनियर बन गया तो मैं एशियन गेम्स में मेडल, बहुत बड़ा खिलाड़ी कभी भी मैंने महसूस नहीं किया। जैसे लाइक आज भी मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं टाइमिंग में आती हूँ एज एक स्वतः खिलाड़ी जैसा, मैं पूरा बिहेव में करती हूँ कोचेज के साथ, कोचेज क्या बताते हैं। लास्ट 20 साल से तो मैं कंटिन्यूसली खेल रही हूँ इंटरनेशनल, लेकिन फिर भी कोचेस क्या बोलते हैं, कोचेस मिस्टेक में क्या बोलते हैं, वही में हम पूरा एक हम नया बॉक्सर जैसा मैं फील करती हूँ, सुनती हूँ। ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है मेरे लिए बहुत स्पेशल है, जैसे बाकी लोग से बिल्कुल अलग है, अलग मैं फील करती हूँ, क्योंकि सब लोग बोलते हैं हाँ सरिता बहुत उम्र हो गया, इतना एज हो गया फिर भी बॉक्सिंग खेल रहे हैं, और नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल हमें नहीं दे पाएगा, बहुत कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, तो वो लोग को एक एज ए इतना उम्र होने के बाद भी हम कर सकता है वो प्रूव करना है। तो वैसे मेरा बॉक्सिंग में आने का कोई एम भी नहीं था कि मैं बॉक्सिंग में ही आऊँ। मेरी फैमिली खुद रेसलिंग से बिलोंग करती है, मेरे ताऊ जी, चाचा जी, भाई जो भी हैं तो रेसलिंग ही करते थे, और मेरे पापा चाहते भी थे कि मैं खुद रेसलिंग करूँ, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था रेसलिंग में, वो मिट्टी में करना ये वो। तो फिर पता नहीं कैसे अचानक मैं रेसलिंग को छोड़ के बॉक्सिंग में आ गई। 57 में मेरा इंडिया ओपन पहला कंपटीशन था, वैसे मैंने कैंप में 60 से एंट्री मारी थी, तो फिर वही मेरा वेट वाला इशू, मेरा वेट कम चल रहा था ऐसे ही, तो फिर मैं 57 में आ गई। कोचेज ने भी बोला कि 57 अच्छा रहेगा तेरे लिए, तो फिर मैं इन्होंने मेरे को मतलब कैंप वाले कोचों ने 57 में चांस दिया, और फिर मैंने प्रूफ भी किया। फिर मैं वो रशिया खेलने गई, वहाँ भी मेरा गोल्ड आया, तो अभी कोचों को भी मुझे भी फैमिली को भी उम्मीद है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अच्छा परफॉर्म करूं। दोनों ही ज़रूरी हैं, और मेरे लिए तो फ़िलहाल वर्ल्ड चैम्पियनशिप है अभी को लेकर देखें तो। अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ उस मतलब जो जो मेरा प्रॉब्लम था उसके ऊपर कैसे खेलना है वो सब के ऊपर भी अभी ट्रेनिंग किया है, तो फिर इस बार कॉन्फिडेंट हूँ, गोल की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड चैम्पियनशिप से ज़्यादा हमारा मतलब क्वालिफिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वालिफाई नहीं है, उसके बाद जो फरवरी में है वो क्वालिफाई होगा, तो इसमें अगर हम मेडल लेंगे गोल्ड या सिल्वर तो डायरेक्ट हम चाइना के लिए मतलब डायरेक्ट सिलेक्ट होंगे हम, तो फिर इसमें मेडल इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चाइना में हो रहा है क्वालिफाइंग, तो उसके लिए सिलेक्ट होने के लिए ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है।